दोस्तों, क्या आपको भी चलने से, उठने या फिर बैठने से अचानक से घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है या फिर चटकने की आवाज़ आती है? ये क्या है, क्यों हो रहा है या फिर किस कारण से हो रहा है? ये हड्डियों से जुड़ी कहीं किसी गंभीर बीमारी के लक्षण तो नहीं? कहीं आपके घुटने खराब तो नहीं हो रहे? आपको इन सभी सवालों के जवाब और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमें जो शरीर मिला है कुदरत से, उसका पूरा ढांचा हड्डियों पर टिका हुआ है। जहाँ पर भी दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, चाहे वो घुटनों की हो, उंगलियों की हो, कोहनी या फिर हिप की हो, उनके बीच में कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज बेसिकली एक मोटी लेयर की कुशनिंग होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड एक जेली जैसा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, द्रव होता है, जो घुटनों को ग्रीस प्रोवाइड करता है ताकि दो हड्डियों का आपस में घर्षण ना हो। तो दोस्तों, ये फ्लूइड दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ नहीं खाने देता, उनके बीच चिकनाहट यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। हमारे जॉइंट्स की स्मूथ मूवमेंट के लिए ये बेहद जरूरी होता है। आपकी हड्डियों के जॉइंट्स से जो कटकट की आवाज़ आती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में क्रैपिटस कहा जाता है, वो इसी फ्लूइड से आती है। अगर आपकी उम्र 40 से नीचे की है और आपको उठते बैठते चलते हुए कटकट की आवाज़ ब्रेकिंग नॉइज सुनाई देती है, लेकिन उस जगह पे कोई दर्द या फिर किसी भी तरह की सूजन का अनुभव नहीं हो रहा, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी हड्डियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन आपकी हड्डियाँ सुरक्षित हैं तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन है, आपके फ्लूइड में छोटे छोटे एयर बबल्स बनते हैं और जब वो फूटते हैं तो आपको कटकट की आवाज़ सुनाई देती है। ये बबल्स बनने का कारण होता है, आपकी बॉडी में वायु गैस ज़्यादा मात्रा में बनने लगी है, आपका वात रोग बढ़ गया है। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या और डाइट प्लान में कुछ चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके अंदर से वायु की मात्रा कम हो और ये अर्थराइटिस जैसी बीमारी बनने से पहले यहीं पर ख़त्म हो जाए। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि आपके पेट में गैस बनती है। खाना चबा चबा कर खाएं, खाने के साथ पानी बिल्कुल भी ना पिए। डेली एक्सरसाइज या वर्कआउट जरूर करें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो धीरे धीरे आपकी ये कटकट की आवाज़ जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप 40 पार कर चुके हैं और आपके घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है, वहाँ पर दर्द या फिर कभी कभी सूजन महसूस होती है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब है आपके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके कार्टिलेज की लेयर घिस चुकी है, आपका फ्लूइड सूख रहा है, जिसके चलते आपके जोड़ों के बीच का गैप जो है कम हो गया है। तो आपके घुटने चलते उठते बैठते आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिससे कि आपको कटकट की आवाज़ सुनाई देती है। जब आप इस ओर लंबे समय तक ध्यान नहीं देते तो वहाँ पर सूजन होने लगती है, आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे खोखली होना शुरू हो जाती है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, आपका चलना फिरना तक दुभर हो सकता है। इसीलिए यंग एज से ही अपनी हड्डियों की हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अब मैं आपको 3 इफेक्टिव होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इन रेमेडीज से आपको दर्द में तुरंत राहत मिलेगी, आपकी कार्टिलेज प्रोडक्शन में हेल्प होगी और आपकी कटकट की आवाज़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो फर्स्ट रेमेडी के लिए आपने एक बोल ले लेना है। इसमें 4 चम्मच काले चने डाल देंगे। दो चम्मच कच्ची मूंगफली और एक चम्मच भर के किशमिश डाल देंगे। पहले इन्हें 2-3 बार अच्छे से धो लेना है, उसके बाद 1 कप पानी डालकर इन सारी चीजों को भिगो देना है। सुबह आपने क्या करना है, खाली पेट ये तीनों चीजें चबा चबा कर खा लेनी है और ये पानी ऊपर से पी लेना है। ये रेमेडी बहुत ज्यादा उपयोगी है आपकी कार्टिलेज की हेल्थ के लिए। दोस्तों, हमारे कार्टिलेज जो है वो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी से बनती हैं, और ये तीनों चीजें चने, कच्ची मूंगफली और ये किशमिश प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें चने हजम नहीं होती। देखिए, अगर आप अच्छी तरह से चबा चबा कर नहीं खाते हैं, जल्दबाजी में खाओगे, खाने के साथ पानी पी लोगे, तो आपको कुछ भी हजम नहीं होगा। चबा चबा कर खाइए, आपको जरूर चने डाइजेस्ट होंगे। अब देखते हैं सेकंड रेमेडी। इसके लिए आपने लेना है मेथी दाना। मेथी दाना वात दोष नाशक औषधि मानी जाती है। वात रोगों में इससे असरदार और कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है या फिर नसों में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी या फिर शुगर बढ़ा हुआ है, हाथ पैर या किसी भी जोड़ में दर्द रहता है, आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर चेहरे पर एजिंग की निशानियां जल्दी दिखने लगी हैं, इन सब में रामबाण औषधि है मेथी दाना। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। भरपूर मात्रा में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होती हैं, इन्हें आप मल्टी विटामिन्स भी कह सकते हो। अब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर रात को भिगो दीजिए। अगली सुबह इस पानी को छान लीजिए।
सबसे पहले तो आपने पानी पी लेना है और फिर ये मेथी दाने चबा चबा कर खा लेनी है। अगर ज़्यादा नहीं चबा सकते तो हल्का क्रश करके गुनगुने पानी से निगल भी सकते हो। तीसरी रेमेडी में हम एक दर्द नाशक बहुत बहुत उपयोगी तेल बनाएंगे जो आपके दर्द आपकी सूजन में तुरंत राहत देगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ली है जिसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 कप के करीब सरसों का तेल। इसकी जगह पर आप तिल का तेल भी ले सकते हो। इसमें ऐड करनी है 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 1 चम्मच मेथी दाने और 1 चम्मच अजवाइन। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे। तेल जब अच्छी तरह से पक जाए, लहसुन का कलर चेंज हो जाए तो गैस को कर देंगे बंद और रात भर के लिए तेल को इसी कढ़ाई में रख देंगे। अगली सुबह इसे कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर लें। छानने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जहाँ पर भी आपको दर्द है, सूजन है, कटकट की आवाज़ आती है घुटनों से, कोहनी से, दर्द वाली जगह पर इस तेल से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। लेकिन इसे जब भी लगाएं पहले हल्का गर्म कर लें। गर्म करने के लिए अगर धूप है तो कुछ देर धूप में रख कर गर्म कर सकते हैं, नहीं तो डबल बॉयलिंग प्रोसेस से गर्म कर सकते हैं। ये तीनों ही रेमेडीज बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। आपके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी की पूर्ति करेंगी, आपके दर्द या सूजन में राहत देंगी और जो कार्टिलेज आपके घिसते जा रही हैं उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करेंगी, जिससे कि आपकी जो कटकट की आवाज़ आ रही है वो प्रॉब्लम भी दूर करेंगी। एक दिन आप मेथी दाना लीजिए, फिर नेक्स्ट डे ये मूँगफली और चने ले लीजिए, फिर नेक्स्ट डे मेथी दाना। इसी तरह से ऑल्टरनेट डे पर दोनों रेमेडीज फॉलो कीजिए लगातार 3 महीने तक और इस तेल से दिन में 2 बार रोजाना मसाज कीजिए। 1 बार दिन में कर लें और फिर रात को सोते समय। इसके अलावा आप जिस समय भी दूध पीते हैं उसमें हल्दी डालकर जरूर पिए। हल्दी घर की पिसी हुई है तो ही डालें, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है। इसके साथ साथ फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिए। रात को खट्टी चीजों से परहेज करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट सुबह वाली धूप भी जरूर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बेल बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। गुड बाय।